Nando's chicken is one of my all-time favorite recipes, or especially when I do healthy eating. This is just my go-to recipe, and the peri peri sauce is bomb. Assalamu alaikum. Welcome to my channel A for Ammi. I do a lot of motherhood-related videos, lifestyle video, and a lot of recipes. Make sure to subscribe to my channel, and don't forget to click on the notification bell. सबसे पहले हम करेंगे चिकन को मैरिनेट, और चिकन को अच्छे से मैरिनेट करने के लिए इसमें कट्स लगाएंगे, ऊपर नीचे सब जगह अच्छे से लाइक क्वार्टर्स को कट लगाएंगे। उसके बाद हमें इसमें चाहिए सॉल्ट, ब्लैक पेपर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा ऑफ कोर्स जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड सम लेमन जूस। मैं रेसिपी नीचे कार्ड में रखूँगी which will be for each leg quarter piece. I'm putting a lot but you know just measure कितने भी आपके पास leg quarters हों उस हिसाब से। I've just put all the masalas in it and I'm using my hands because जब तक हाथ नहीं लगे ना मुझे लगता खाना में मज़ा नहीं आता, और हाथ से होता है कि आप अच्छे से अंदर तक you know I can marinate the pieces and go everywhere where you know the चम्मच can not go. So इसमें थोड़ा सा just take a little bit of time and massage the marination really well in this in the chicken pieces, and keep it in the fridge for at least 2 to 3 hours or preferably overnight, and it should be very well marinated by then. And whenever you're ready to cook, make sure that your oven is preheated. मैंने हल्का सा spray किया। Make sure to please put a foil on your baking tray, otherwise baking tray खराब हो जाएगी. Make sure to cover the chicken from the top as well, and we'll keep it in a 350 degree Fahrenheit oven for at least 20 minutes. 20 minutes बाद we'll change the sides. अब चलते हैं हम हमारी पेरी पेरी सॉस की तरफ। इसके लिए हमें सॉल्ट 1 टीस्पून चाहिए, रेड चिली पाउडर 2 टीस्पून, हमें चाहिए क्रश्ड रेड चिलीज़, बटन रेड चिलीज़, एक ग्रीन चिली जो पतली वाली होती है बारीक, सम गार्लिक, होल गार्लिक। उसके बाद हमें चाहिए, इसके बारे में मैं अभी बताती हूँ ये क्या चीज़ है। फिर हमें चाहिए थोड़ा सा ऑयल। ऑयल एक्चुअली आप थोड़ा कम भी कर सकते हैं बट इसकी जो रेसिपी है उसमें इतना ही है, और थोड़ा सा वाटर, हाफ़ ऑयल जितना होगा उसका हाफ़ वाटर, सम मस्टर्ड पेस्ट, थोड़ा सा फ्रेश लेमन जूस, इसमें बॉटल वाला नहीं चलेगा, आई एम सो सॉरी बट नहीं, फ्रेश की बात और होती है, सम वाइट विनेगर, और ये जो है ना ये है मस्टर्ड सीड्स। मैंने 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स ली थी, और ये हमने इसमें अच्छे से क्रश की हैं, और बस अब सब चीज़ें हम ब्लेंडर में डालेंगे और हम इसको ब्लेंड करेंगे। सारे का सारी जो चीज़ें हैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब चीज़ें अवेलेबल हैं। एंड दिस रेसिपी इज़ जस्ट सो गुड। मेक यू कैन एक्चुअली थोड़ा सा ऑयल कम डाल सकते हैं बट मुझे ऑयल के साथ इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी अच्छी लगती है। एंड देन यू नो ऑफ कोर्स really nicely blended, and you can see the gorgeous color, the gorgeous consistency. ये मैं अभी pour करके भी दिखाती हूँ exactly how कैसी consistency है इसके लिए। ये जो सॉस है अगर आप चाहें तो आपके पास अगर रेडी हो तो आप इसको मैरिनेशन में भी डाल सकते हैं थोड़ा सा, but I just don't। अब आ गई बारी हमारी चिकन को पलटने की। 20 मिनट्स हो गए थे। 20 मिनट्स के बाद अभी आप देखेंगे मुझे निकालते हुए। काफ़ी ध्यान से निकालना है बिकॉज चिकन अपना पानी छोड़ती है और काफ़ी सारा इसके अंदर पानी होगा, सो जस्ट बी वेरी केयरफुल। नाउ प्लीज़ मेक श्योर इसके स्टीम जो है ना स्टीम से आप जल सकते हैं, जैसे मैं भी जली हूँ, सो जस्ट बी वेरी केयरफुल। एंड प्लीज़ यूज़ गुड फोर्क एंड नाइफ टू टर्न द पीसेज अराउंड। और आप देख रहे हैं कि कितना पानी छोड़ा है चिकन ने, और अब मैं इसमें ये पानी छोड़ा है इसीलिए अब मैं इसको खोल के पकाऊंगी अगेन फॉर 20-25 मिनट्स। हो सकता है ये सारा पानी नहीं जाए, कभी कभी नहीं भी जाता है, एंड दैट्स ऑल राइट। जितनी देर ये पक रही है हम हमारी जो है पेरी पेरी राइस बनाते हैं। पेरी पेरी राइस में मैं थोड़ा सा ऑयल लिया है, उसके बाद मैंने थोड़ी सी कैरेट्स, कैप्सिकम जिसको यहाँ US में बेल पेपर कहते हैं उसको थोड़ा सा सौते किया है, a little bit of onion powder, a little bit of garlic powder जा रहा है, और इसको अच्छे से मैं मिक्स करूँगी। और इसके बाद इसमें जाएगा थोड़ा सा जो है ना सोया सॉस, और सोया सॉस डालने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे हमारी पेरी 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 सॉस। उससे इसका कलर भी येलो होगा जो एक्चुअली पेरी राइस का कलर होता है। इसमें ऑलमोस्ट रफली अराउंड 4 to 5 tablespoons इसमें जाएगा पेरी पेरी सॉस। और एकदम जब ये सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी इसके बाद मैं इसमें डालूँगी ऑलरेडी बॉइल्ड राइस। This cooks a lot like regular fried rice, but because of the peri sauce इसका color बड़ा अच्छा सा येलो सा आता है, and of course flavor is also very different. अब मैं इसको थोड़ा दम पे रख दूँगी. You can see the consistency of this peri peri sauce. ये थोड़ा जो है ना oil की वजह से आती है, पर अगर आप चाहें तो definitely put some less oil in it. अब मेरा चिकन you can see कि बहुत अच्छे से हो गए. Really 20 minutes one side, 20-25 minutes one side, and it is good to go. अब इसमें मैं पेरी पेरी फ्लेवर देने के लिए मैंने अपना फ्राइंग पैन गरम किया है, और मैं इसमें बिल्कुल ऑयल नहीं डाल रही बिकॉज ऑलरेडी पेरी पेरी सॉस में जो है वो ऑयल है. तो इसको मैं अच्छे से बेस्टिंग करूँगी पेरी पेरी सॉस से, एंड आई विल कुक फॉर अनदर मे बी 4-5 minutes, 2-3 minutes on each side. And because mera frying pan already hot hai, you can see the peri peri sauce has already started bubbling as soon as it hits the frying pan, and I'll just keep on basting it a couple of times with the peri sauce so jaldi se acche se flavor jo hai wo andar tak chala jaye iske. And this just gives it such a nice texture, I cannot tell you. और ये थोड़ा सा वो मज़े का ग्रिल मार्क्स टाइप भी चीज़ आ जाती है बिकॉज ऑफ पेरी पेरी सॉस. इसमें जो है ये अच्छे से वो सीयर मार्क्स आ जाते हैं. एंड दैट्स इट. मेरे चावल दम पर आ गए. यू कैन सी हाउ नाइस येलोइश कलर दे हैव, and the chicken is also ready to serve. And this is a complete meal, my favorite meal. I don't eat the rice much, but really my kids love it with the rice and we all enjoy it. And again, I love some more peri peri sauce on top of it. मैं थोड़ी सी ऊपर राइस पे भी डालती हूँ. And this is just such a good meal. Make sure to tell me कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी. मुझे Nando's बहुत पसंद है. Do you like Nando's? By the way, I just so much miss peri bites here. यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिलती हैं, और Nando's वाली peri bites की बात ही और होती है. Anyway, Assalamualaikum.